प्रदेश में बिजली संकट को लेकर कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों ले रही है। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा, प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एक तरफ कह रहे हैं कि प्रदेश में कोयले का कोई संकट नहीं है और दूसरी तरफ खुद स्वीकार रहे हैं कि हम विदेश से कोयला बुलवा रहे हैं। देखिए, प्रदेश के ऊर्जा मंत्री की बुद्धि पर तरस आ रहा है। रोज कह रहे हैं कोयला संकट नहीं, बिजली संकट नहीं, खुद बयान दे रहे हैं कि 40 लाख मेट्रिक टन के हमने सड़क मार्ग के टेंडर निकाली है। अरे, आग लग गई जब कुआं खोद रहे हैं, अभी तक टेंडर क्यों नहीं निकाले? जब प्रदेश में कोयला संकट चरम पर है, स्टॉक खत्म हो चुका है, बिजली संकट बढ़ता जा रहा है, घेराता जा रहा है, अघोषित कटौती जारी, तब आप 40 लाख मेट्रिक टन सड़क मार्ग से लाने के टेंडर कर रहे हैं? अब आप नींद से जाग रहे हैं? आप कह रहे हैं 8 लाख मेट्रिक टन विदेश से मंगा रहे हैं, जब संकट नहीं है, स्टॉक आपके पास है, तो फिर विदेश से क्यों मंगा रहे हैं? आप कह रहे हैं संकट नहीं है, प्रदेशवासी भुगत रहे हैं संकट को, कोयले के संकट के कारण जो अघोषित कटौती की मार प्रदेश की जनता पर पड़ रही, प्रदेशवासी उसको भुगत रहे हैं, लेकिन आप अभी भी झूठ परोसने में लगे हुए हैं।